हेलो फ्रेंड्स वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नबते फ्रेंड्स आज जो वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे कहा जाता है रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और Change, in, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंड दिस इज लोकेटेड इन जो देव जोराट आसाम तो यहाँ पे इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के वॉकन इंटरव्यूज है ट्वेंटी अगस्त 2021 एंड ट्वेंटी अगस्त 2021 को और इस वॉक इंटरव्यू में जो पोस्ट फिलअप किए जाने वाले हैं वो अलग अलग प्रोजेक्ट के पोस्ट है जिसमें जूनियर रिसर्च फेलो है या फिर जूनियर प्रोजेक्ट फेलो है सीनियर प्रोजेक्ट फेलो है या, या फिर जिसे सीनियर रिसर्च फेलोशिप भी कहा जाता है उसके बाद प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसीज़ यहाँ पे है रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसीज यहाँ पे है फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसीज यहाँ पे है और जो क्वालिफिकेशन चाहिए अगर आप एम एस सी बी एस सी लाइफ साइंसिस में बॉटनी में सॉयल साइंसिस में उसके बाद जियोलॉजी में या फिर एनवायरमेंटल साइंस में बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप बी एस सी या एम एस सी किए हैं तो आप इस पोस्ट को या फिर वॉक इन इंटरव्यू को वहाँ पे जा सकते हो ये वॉक इन इंटरव्यूज आप वहाँ पे अटेंड कर सकते हो और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसीलिए जो सैलरी है एज अ फ्रेशर्स और अगर आप पास आउट हुए हैं तो और कुछ एक्सपीरियंस आपके पास है तो ये सैलरी भी यहाँ पे अच्छी तरह से है इंक्लूडिंग एच तो आप जरूर यहाँ पे अप्लाई कीजिए और इन अलग अलग पोस्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे आज बताने वाला हूँ जो फर्स्ट जो बताने वाला हूँ यहाँ पे वो वॉक इन इंटरव्यू जो है ट्वेंटी अगस्त टू को उस पोस्ट के बारे में मैं यहाँ पे कुछ मेंशन करूंगा इंफॉर्मेशन दे दूंगा और जो पहला जो प्रोजेक्ट है ये जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लान ग्रोथ प्रोमोटरी ट्रॉप्स और जो वैकन्सीज य इस प्रोजेक्ट पे फिलअप की जाने वाली है वो है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की और एक वैकेंसी है अगर आप एमएससी फर्स्ट क्लासेस चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी हो चाहे वो एनवायरमेंटल साइंस हो चाहे वो सॉइल साइंस हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और अगर आप में एक्सपीरियंस है प्रोफाइलिंग का तो दैट एक्सपीरियंस एक्चुअली इट इज अ डिजायरेबल एक्सपीरियंस बट सच कैंडिडेट्स हु आर हैविंग दिस एक्सपीरियंस दैट कैंडिडेट्स कैन बी प्रेफर्ड फॉर दिस जूनियर प्रोजेक्ट फेलो ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड दैलरी और द एमेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट और पोस्ट इज ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज पर मंथ प्लस एच आर ए तो ये एक पोस्ट हो गई उसके बाद है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो जो दूसरा प्रोजेक्ट है और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है एमएससी इन सॉइल साइंस एनवायरमेंटल साइंस और जियोलॉजी अगर आप एमएससी फर्स्ट क्लास है सॉयल साइंस में एनवायरमेंटल साइंस में और जियोलॉजी में तो आप इस पोस्ट को या फिर वॉक इन इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हो और यहाँ पे भी सैलरी जो है वो है ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ प्लस एच आर ए उसके बाद की पोस्ट है प्रोजेक्ट असिस्टेंट और शॉर्ट में इसे पी ए आ जाता है वन पोस्ट है और ये प्रोजेक्ट है जो इसल क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए है बी एस सी इन लाइफ साइंस और बॉटनी और एग्रीकल्चरल और फॉरेस्ट्री और एक्सपीरियंस अगर आपके पास है प्लांट प्रोपेगेशन और सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में तो यू विल बी प्रेफर फॉर दिस पोस्ट फॉर दी

और जो सैलरी वहां पे मिलने वाली है ये है नाइनटीन थाउजेंड रुपीज पर मंथ उसके बाद की जो पोस्ट है प्रोजेक्ट जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की एक पोस्ट है और ये प्रोजेक्ट है यहाँ पे एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो चाहिए इस पोस्ट के लिए एम एस फर्स्ट क्लास इन बॉटनी फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर तो आप यहाँ पे वाकिन इंटरव्यू को जा सकते हो और अगर आपके पास टिश्यू कल्चर टेक्निक्स का कुछ एक्सपीरियंस है तो दैट इज बेटर फॉर दिस पोस्ट और जो सैलरी यहाँ पे है इस पोस्ट के लिए वो है ट्वेंटी थाउजेंड पर मंथ प्लस एच आर ए उसके बाद जो है दैट इज सेकंड प्रोजेक्ट पे सेम फंडिंग एजेंसी के अंडर वो है और वहां पे भी एक प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसी है जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो बीएससी इन फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर तो सैलरी जो यहाँ पे मिलने वाली है ये है नाइनटीन थाउजेंड रुपीज पर मंथ दैट इज फिक्स सैलरी उसके बाद है फील्ड असिस्टेंट की वैकेंसी इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है ट्वेल्थ पास साइंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स और जो सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है वो है सेवनटीन थाउजेंड पर मंथ उसके बाद तीसरा जो प्रोजेक्ट है वहां पे ये और वैकेंसी है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो एक वैकेंसी है जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है फर्स्ट क्लास एम एस सी इन लाइफ साइंस माइक्रोबायोलॉजी सोयल साइंस फॉरेस्ट्री एनवायरमेंटल साइंस और बॉटनी और जो सैलरी इस पोस्ट के लिए मिलने वाली है वो है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज पर मंथ प्लस ये चारे। और अगर आपको फॉर दिस पोस्ट उसके बाद जो वैकेंसी है ये प्रोजेक्ट असिस्टेंट की है इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो है बी इन लाइफ साइंसेस और इन फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर बॉटनी केमिस्ट्री जूलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस तो इसमें से कौन से भी बैच में सब्जेक्ट में अगर आपने बीएससी किया है तो आप इस प्रोजेक्ट असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई या फिर वॉक इन इंटरव्यू को जा सकते हो और जो सैलरी वहां पर मिलने वाली है वो है नाइनटीन थाउजेंड रुपीज पर मंथ उसके बाद पांचवा जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट में जूनियर रिसर्च फेलोशिप या जूनियर प्रोजेक्ट फेलोशिप की एक फेलो की जगह है वैकेंसी है एक है और जो इसल क्वालिफिकेशन है वो है फर्स्ट क्लास एमएससी इन लाइफ साइंस सब्जेक्ट और इन बॉटनी और अगर आपके पास प्लांट सैंपल कलेक्शन फील्ड में से कर कलेक्ट करने का एक्सपीरियंस है लेबोरेटरी एनालिटिकल वर्क का एक्सपीरियंस है और नॉलेज अगर कंप्यूटर का आपके पास है तो आप इस पोस्ट इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू को जा सकते हो और जो क्वालिफिकेशन अगर नेट क्वालिफाइड आप हो तो थर्टी वन थाउजेंड रुपीज पर मंथ प्लस एच आपको मिलेगा और अगर आप क्वालिफाइड नेट क्वालिफाइड नहीं है फिर भी आप यहाँ पे इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हो लेकिन सैलरी थोड़ी कम है That is 20, रुपीस पर प्लस उसके की जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट असिस्टेंट की और जो इसल क्वालिफिकेशन है बी एस सी इन लाइफ साइंस बॉटनी बायो केमिस्ट्री और फॉरेस्ट्री और जो मंथली सैलरी आपको मिलने वाली है, वो है, 19, पर Then, project, project की है और जूनियर प्रोजेक्ट फेलो और जो क्वालिफिकेशन है इसेंशियल है फर्स्ट क्लास एम इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी फॉरेस्ट्री और बॉटनी और अगर स्पेशलाइजेशन आपका प्लान बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक्स में तो दैट विल बी बेनिफिशियल टू यू एंड अगर आपको सीनियर प्रोजेक्ट फेलो को अटेंड करना है इंटरव्यू तो आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट वहाँ पे चाहिए और दैट इज टू ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन मॉडिकुलर कैरेक्टराइजेशन और जो सैलरी है इस पोस्ट के लिए वो सीनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए जो है वो ट्वेंटी थ्री थाउजेंड रुपीज पर मंथ प्लस एच आर ए और जो जूनियर प्रोजेक्ट फेलो के लिए है वो है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज पर मंथ प्लस एच आर तो आप इस इंटरव्यू को अटेंड कर सकते हो उसके बाद है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की वैकेंसी एक वैकेंसी है और जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है फर्स्ट क्लास एमएससी इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी फॉरेस्ट्री और बॉटनी और अगर आपका स्पेशलाइजेशन प्लान बायोटेक्नोलॉजी में है जेनेटिक्स में है तो भी आप यहाँ पे मतलब बेनिफिट्स हो जाएगा और अगर आपका एक्सपीरियंस मॉलिकुलर कैरेक्टराइजेशन में है So स्ट्री और एग्रीकल्चर और जो सैलरी वहां पर मिलने वाली है वो है नाइनटीन थाउजेंड रुपीज पर मंथ उसके बाद का जो प्रोजेक्ट है

लेसर नोन फॉरेस्ट प्लांट्स एक वैकेंसी है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की और जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है फर्स्ट क्लास एम एस इन केमिस्ट्री एग्रीकल्चर और बायोकेमिस्ट्री और जो सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है वो है ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज पर मंथ प्लस यच आर ए उसके बाद जो प्रोजेक्ट है एट प्रोजेक्ट एंड द पोस्ट इज़ प्रोजेक्ट असिस्टेंट वन वैकेंसी क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो है बी एस सी इन फॉरेस्ट्री और बी एस सी इन एग्रीकल्चर और बी एस सी इन बॉटनी और जो सैलरी वहां पे मिलने वाली है वो है नाइनटीन थाउजेंड रुपीज पर मंथ उसके बाद नाइन्थ प्रोजेक्ट है जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की वैकेंसी पे एक वैकेंसी और जो इसल क्वालिफिकेशन है वो है फर्स्ट क्लास एम इन बॉटनी और इन एग्रीकल्चर और जो डिजायरेबल अगर आपके पास नॉलेज है माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी का तो एडवांटेजेस रहेगा वो आपके इस इंटरव्यू के लिए और जो सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है वो है

और सैलरी जो मिलेगी यहाँ पे वो है नाइनटीन थाउजेंड रुपीज पर मंथ उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इनोकुलेशन टेक्निक इस प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट असिस्टेंट की वैकेंसी है और जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो है बीएससी बॉटनी एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री एंड दैट सैलरी इज नाइनटी नाइनटीन थाउजेंड रुपीज पर मंथ उसके बाद जो जूनियर रिसर्च फेलो और जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की एक वैकेंसी है जो क्वालिफिकेशन वो है फर्स्ट क्लास एमएससी इन बॉटनी फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और लाइफ साइंसेज अगर आप नेट क्वालिफाइड है तो आपकी सैलरी वहां पे रहेगी थर्टी वन थाउजेंड रुपीज पर मंथ प्लस एच आर ए अगर आप नेट क्वालिफाइड नहीं है तो आपकी सैलरी रहेगी ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज पर मंथ प्लस एच आर ए और अगर आपके पास एमएससी नॉलेज हैंडलिंग ऑफ सीड्स एंड एमएससी अगर सीड टेक्नोलॉजी है आपका तो दैट विल बी डिजायरेबल फॉर दिस पोस्ट तो ये जो थर्टीन प्रोजेक्ट है अलग अलग और इस पे ये अलग अलग पोस्ट वहां पे कुछ इंटरव्यूज ट्वेंटी सिक्स ऑगस्ट को है और कुछ इंटरव्यूज ट्वेंटी सेवेंथ ऑगस्ट को है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो तो ये जो एज लिमिट यहाँ पे दी है वो थर्टी वन जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ईयर्स फॉर फील्ड असिस्टेंट और प्रोजेक्ट असिस्टेंट देन ट्वेंटी एट ईयर फॉर जूनियर प्रोजेक्ट फेलो और जूनियर रिसर्च फेलो एंड थर्टी ईयर फॉर सीनियर रिसर्च फेलो अगर आप एस सी एस टी या फिर वुमेन्स है या फिर ओबीसी कैंडिडेट है एस सी एस टी और वो फाइव ईयर्स रिलैक् और ओबीसी अगर है आप तो थ्री रिलैक्सबल है तो ये टाइम है इंटरव्यू का नाइन थर्टी ए एम टू टेन थर्टी ए एम ऑन ट्वेंटी सिक्स अगस्त एंड ट्वेंटी सेवंथ अगस्त तो इस फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है ये फॉर्मेट आपको इस वेबसाइट पे मिलेगा तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो और अगर आपको अप्लाई करना है या फिर फॉर्म सबमिट करके डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वॉक इन इंटरव्यू को ये फॉर्म सबमिट फिलअप करके तो रेन फॉरेस्ट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के इस वेबसाइट को आपको ये फॉर्म मिलेगा प्रिंट आउट निकालिए इसकी फिलअप कीजिए और वॉक इन इंटरव्यू और वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कीजिए बेस्ट ऑफ लक एंड फ्रेंड्स इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब दिस माइक्रोबायोलॉजी बाय संतोष नप्ते यूट्यूब चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू